हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSSC न्यू नोटिस, तो वही HSSC ने एक नया नोटिस भेजा है और ये कारण है भाई आपकी जो भर्ती है लेट हो रही है। कारण बताया गया है, देख लो, जो नई भर्ती आई है भाई आपकी TGT की, उस भर्ती से रिलेटेड ये नोटिस है। क्या कारण है, जो आपके फॉर्म अप्लाई होने थे वो नहीं हो पाए हैं, वो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो यह है भाई नोटिस आपका, ठीक है। नोटिस ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट है TGT की आपकी, ROH और मेवात कैडर की है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइज डाला गया था भाई 2/2022 और ये पब्लिश किया गया था नोटिस आपका 27/9/2022 को, और 5 तारीख से आपके फार्म अप्लाई होने थे। आज 12 तारीख हो गई है, अभी तक उसके लिंक है जो ओपन नहीं किया गया था। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको, जो क्वालिफिकेशन इन्होंने ऐड करी थी ना उसके अंदर है, सभी पद इसमें जितने भी पद थे आपके TGT के अंदर 7471 पद है TGT के, मेवात और हरियाणा के दोनों मिलाकर है इसमें। तो वो कारण है भाई आपका, ये क्या कारण इन्होंने बताया है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल इशू, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल इशू इसमें बता रहे हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन का कुछ मुद्दा है, वो सोल्व आउट करेंगे पहले ये, फिर उसके बाद में दोबारा से नोटिस डालेंगे ये भी कब से आपके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो है वो चेंज करना है, उनको कोरिजेंडम करना, वो कर देंगे इसके अंदर उसके बाद में। और सेकंड में क्या है भाई, जैसे ही आपका कोई शेड्यूल आता है इसका, तो उसके लिए आपको HSSC की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट करते रहें। और 12 तारीख यानी आज की डेट का बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है, तो इसमें भाई काफ़ी सारे जो चेंज करने हैं वो अभी ये चेंज कर देंगे, क्योंकि यही कारण होता है भर्ती कोर्ट के अंदर जाने का। अगर ये अभी चेंज नहीं करते और बाद में कोई कदम उठाते भाई हम इसमें ये चेंज कर दें, चाहे क्वालिफिकेशन हो या कुछ और बड़ा कारण हो कुछ चेंज करने का, तो उसके बाद में कैंडिडेट कोर्ट चले जाते हैं, इन्होंने बाद में भर्ती के अंदर बदलाव कर दिया, ठीक है, इस वजह से भर्ती में सट्टे लग जाती है, लंबे टाइम तक भर्ती चली जाती है। तो ये कारण है भी, इन्होंने पहले ही ये इस मामले का संज्ञान ले लिया और जो भी बदलाव इनको करना है वो कर देंगे, कोरिजेंडम है वो डाल देंगे साइड के ऊपर। तो इसलिए भाई विजिट करते रहें, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी इस भर्ती से रिलेटेड वो आप सभी के साथ है तुरंत नोटिस है वो आपका शेयर कर दिया जाएगा। और जो पुरानी भर्ती थी आपकी 2012 वाली, उससे रिलेटेड भाई सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल राहत दे दी है, किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। पहले जो भाई फाइनल सिलेक्शन में आ गए थे 2014 के अंदर जिनका रिजल्ट आया था उनको, और उसके बाद में जो बचते हैं भाई जो वेटिंग सूची वाले, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और उनकी ज्वाइनिंग के बाद में जो आपके 2013 वाले जिन्होंने स्टेट बाद में किया था उनको फिर वही एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यह थी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।